माता से शुरू हो रहा है, बिहार से, बक्सर से। ये बड़ा ही पुण्य भूमि है, भगवान राम की ये कर्म भूमि है, उनकी शिक्षा दीक्षा की भूमि है। आज 2022 ईस्वी के 2 अप्रैल को भारतीय विक्रम संवत का 2079वां वर्ष का प्रारंभ हुआ। नव वर्ष अभिनंदन के शुभ अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा गंगा घाट पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए गए, जिसकी कुछ झांकियां लाइव में प्रदर्शित की गई है और उनके द्वारा जो बातें कही गई वो यहाँ पर दिखाई गई है। सृष्टि संवत जो है 1,65,58,85,124 वर्ष हो गए हैं, यानी कि सृष्टि का निर्माण होने से इतना दिन हो गया है। युगाब्द यानी कलयुग का युग जो है 5,124वां वर्ष शुरू हुआ है। विक्रम संवत 2079, इसके बाद 80 शुरू होगा। इसके बाद इस दिन का क्या महत्व है इसको हम लोग देखते हैं। माना जाता है कि इस तिथि को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया था। भारत में जितने भी संवत्सर हैं उसका प्रथम दिवस आज ही है, यानी आज के दिन से ही शुरू हुआ है। और चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ है। श्री राम का जन्म जो राजाभिषेक हुआ है वो आज ही के दिन हुआ था। महाराज विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत का शुभारंभ भी इसी तिथि को किया गया था। धर्मराज युधिष्ठिर का भी राजतिलक इसी तिथि को किया गया था। संत झूलेलाल जी का जन्मदिवस भी यही है। सिखों के द्वितीय गुरु अंगद देव जी का जन्मदिवस भी यही है। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी आज के दिन ही की गई थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्मदिवस भी आज के दिन ही है। इनके द्वारा स्थापित आरएसएस आज विश्व की सबसे बड़ी संगठन है। गंगा घाट पर माननीय मंत्री जी ने खुद झाड़ू लगाया और सभी लोग मिलकर के इनके साथ साफ सफाई कर रहे थे, कचरे उठा रहे थे और बोरे में रख कर के साइड में जो कूड़ेदान रहा था वहाँ पर रखा गया। फिर बैठ करके यहाँ पर सभी लोगों ने शपथ भी लिया गंगा सफाई का, योगाभ्यास भी किया यहाँ पर, और मंत्री जी खुद साथ में सबके साथ रहे। और यहाँ पर बच्चियों बच्चों लड़कों और ग्रामीण बहुत सारे पब्लिक भी यहाँ पर उत्साहित होकर भाग ले रहे थे, सभी सुन भी रहे थे। फिर प्रसाद वितरण भी हुआ और यहाँ से चलकर जो रामेश्वरम मंदिर है वहाँ पर पौधारोपण किया गया। और उसके बाद जो है माननीय मंत्री जी ने वहाँ पर जो मंदिर में पूजा अर्चना की वो भी देखने लायक रहा। इसके बाद वहाँ पर जो पौधारोपण किया गया उसमें 5 वृक्ष मुख्य रूप से है, जो पंचवटी कहा जाता है, जिसमें पीपल, बेड़, बट, आंवला और अशोक, ये 5 वृक्ष पंचवटी कहलाते हैं। इनका वहाँ पर पौधारोपण किया गया। इसके बाद किला मैदान में जो है रात में और कल दोपहर में कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम। शाम को आज गंगा आरती भी होने वाली है और इस तरह से कई कार्यक्रम बताया गया यहाँ पर होगा। पत्रकारों द्वारा मंत्री जी से की गई बात के कुछ अंश यहाँ पर प्रस्तुत हैं। वंदे मातरम के साथ साथ जहाँ भारत की आज़ादी वंदे मातरम से हजारों लोग शहीद हो गए, जेलों में बंद हुए, वहीं वंदे मातरम के साथ गंगे मातरम का संकल्प आ गया। गंगे मातरम जो भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो ये गंगे मातरम, वंदे मातरम और गंगे मातरम क्या संकल्प है बाबा? हम लोगों ने जो संकल्प आज लिया है मुख्य रूप से कि गंगा सफाई महाअभियान का हम यहाँ पहले भी छोटे मात्रा में होते रहे हैं, लेकिन ये अभियान चलता रहे। और मेरी इच्छा, मेरे पर्यावरण विभाग भी है, यहाँ हमारे दिल्ली से भी पदाधिकारी आए आज के कार्यक्रम में, पटना से पदाधिकारी आए हुए हैं और यहाँ के लोग हैं। तो ये महाअभियान जहाँ बिहार के गंगा का जहाँ से लगभग शुरुआत होता है, जहाँ से हो रहा है, आगे मैं हिमालय से ये यात्रा जगह जगह शुरू करने वाला हूँ। ये लोकसभा के कारण ये स्थान यहाँ से शुरू हो रहा है, बिहार से, बक्सर से। ये बड़ा ही पुण्य भूमि है, भगवान राम की ये कर्म भूमि है, उनकी शिक्षा दीक्षा की भूमि है, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और भगवान स्वयं विष्णु का अवतरण, बावन भगवान का अवतरण का भूमि। तो ये पवित्र भूमि पर आज गंगा तट पर हम लोगों ने स्कूली बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ कुछ संकल्प लिया है कि हम गंगा के घाट को साफ रखेंगे, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए हम लोगों को भी प्रेरित करेंगे,
साथ ही गंगा में कूड़ा कचरा पॉलिथीन या प्लास्टिक नहीं डालेंगे, गंगा में मल मूत्र और थूक इत्यादि नहीं फेंकेंगे, मल मूत्र का त्याग नहीं करेंगे, घर के कूड़े कचरे को गंगा में नहीं फेंकेंगे, गंगा में नहाने वक्त साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे, साबुन से केमिकल होता है उससे प्रदूषित होता है जल, और गंगा में जो कपड़ा धोते हैं कपड़ा धोने वक्त डिटर्जेंट का व्यवहार नहीं करेंगे, जिससे जीव जंतु जो गंगा का है वो भी नष्ट हो जाता है, मछलियाँ छोटी छोटी प्रजाति हजारों प्रजाति है। ये संकल्प हम लोगों ने मुख्य रूप से आज लिया है, तो आज का यह संकल्प हम लोग अपने जीवन में बच्चे सभी लोग अपने घर परिवार और बाहर स्कूल सभी जगहों पर इस संकल्प को आगे लोगों को भी प्रेरित करते हैं। क्या बाबा बड़े रोल की तैयारी चल रही है क्या आपकी, जिस हिसाब से आप अपने कार्यक्रम बता रहे हैं कि यहाँ से लेकर हिमालय तक हमको जाना है, तो भारतीय राजनीति में कोई बड़े रोल निभाना है क्या? भगवान राम की एक कर्म भूमि, अब तो राम जन्म भूमि बन चुका है न कि संकल्प ले चुके हैं, और आज ये राम कर्म भूमि न्यास की ओर से अनेक कार्यक्रम यहाँ आयोजित है, शाम को आप सब भी साक्षी होंगे, गंगा महाआरती भी होगा, झांकी भी यहाँ प्रस्तुत की जाएगी गंगा की, और साथ साथ रामेश्वर नाथ की आरती होगी, भोग लगेगा, और कल बावन भगवान का यहाँ पूजा संकल्प हवन होगा, और यहाँ बावनोत्सव बावन भगवान का और सिद्धाश्रम का लोक चेतना उत्सव भी कल किला मैदान में 11 बजे से लगभग 4 बजे तक मनाएंगे, और सामूहिक महाप्रसाद भी ग्रहण करेंगे, चैत्र महोत्सव का आनंद भी लेंगे। और ये जो आपने कहा ये तो पूरा गंगा हिमालय से निकलता है और अंतिम के छोर तक, मैंने पहले भी कई स्थानों पर गंगा की यात्रा किया है, और मेरी इच्छा है मैं इस विभाग का मंत्री भी हूँ, पर्यावरण का वन और जलवायु परिवर्तन का, तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम गंगा को पवित्र बना के रखें, पवित्र नदियों और 13 नदियों को अभी अभी हाल में आपने सुना होगा लिखा होगा छपा होगा, 13 नदियों को हम लोगों ने उसको अविरल धारा बनाने के लिए, निर्मल धारा अविरल धारा स्वच्छ किनारा, ये हमने संकल्प किया है 13 नदियों को एक साथ उसका DPR भारत सरकार ने तैयार करवाने के लिए हम लोगों ने DPR लागू कर दिया है, 19,000 करोड़ की लागत से, केवल गंगा का तो पहले नमामि गंगे से, अब वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने और जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से 13 नदियों का, गंगा के अलावा जो पवित्र नदियाँ हैं जमुना सरस्वती रेवा महानदी, ऐसे सभी नदियों को पवित्र करने का संकल्प लिया है, इसलिए इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं, ये शुद्ध राष्ट्र नीति है। बिहार के अन्य जिलों में बाबा आपका ये महाअभियान चलेगा जहाँ यहाँ से गंगा नदी, निश्चित रूप से मैं बिहार ही नहीं देश के जगह जगह पर गंगा के किनारे जो हमारे शहर है जो कस्बे वहाँ जाके संकल्प दिलाना, और वहाँ स्वयं गंगा स्वच्छता ग्रही के रूप में वहाँ लोगों से आग्रह करना, और एक अभियान ये महाअभियान आज शुरू हो गया, ये चलता रहेगा। ठीक है बाबा, धन्यवाद। बाबा मैंने ग्रहण कर लिया।